तो दोस्तों महरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में आप इस जंगल में मुझे एक मस्जिद देखने को मिला। जैसा कि आप मेरे पीछे ये मस्जिद देख सकते हैं दोस्तों, ये जंगल झाड़ियों के बीचों बीच में है। आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ जंगल झाड़ी इसके आसपास हो गए हैं, और किसी ज़माने में ये इसका मेन रास्ता मेन एंट्रेंस हुआ करता था। मस्जिद का बनावट आप देख सकते हैं, ये जो मस्जिद का बनावट है वो लोधी वंश लोधी काल का दर्शा रहा दोस्तों। इसका जो आप नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं, और ये इधर इस तरफ जो मेहराबें बनी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरफ ये मेहराबें बनी हुई हैं जो लोधी काल में लोधी डायनेस्टी का हमें दर्शा रहा है। और मस्जिद के हम ऊपर चलते हैं तो दोस्तों आप देख लीजिए, ये है वो मेन गेट के अंदर है, लेकिन एएसआई ने इसको मस्जिद मानने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों चलिए हम अंदर की तरफ देखेंगे और मस्जिद में क्या क्या है। दोस्तों एएसआई ने बताया है कि ये खान शहीद का मकबरा है, लेकिन वक्फ बोर्ड का मानना है कि ये एक मस्जिद है। तो चलिए हम इसी बात यही जानने की कोशिश करेंगे अंदर जाके कि कोई मकबरा मौजूद है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप दिल्ली वक्फ बोर्ड का एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे इस मस्जिद के बारे में, और ये मस्जिद है या मकबरा है, हम अंदर की तरफ चलेंगे। और दोस्तों बताया जाता है कि इसमें अभी भी 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं। दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में एक यही ऐसा पहला मस्जिद हमें देखने को मिला कि जिसमें बताया जाता है कि 5 वक्त की नमाज होती है। दोस्तों इस मस्जिद के अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि जो मेन गेट है वो भी बंद है दोस्तों, और जंगल झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं इधर। जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने जाने के लिए मना किया है, तो हम अंदर की तरफ नहीं जाएंगे अभी क्योंकि ये बंद है दोस्तों। तो इसीलिए फिर कभी फ्यूचर में इस मस्जिद को हम कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 5 वक्त की नमाज़ होती थी, लेकिन अभी ये मस्जिद बंद है कुछ दिन के लिए। तो बाकी दोस्तों जो है बताया गया है कि ये मस्जिद खतरे में है, मतलब वक्फ बोर्ड और कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो जैसा भी रहेगा फ्यूचर में दोस्तों, इसका मस्जिद का क्या कंडीशन है, क्या हाल है, मैं आपको अपने चैनल पे डाल के दिखाऊंगा बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।